हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ह्यूमन आई यानी कि मनुष्य की आंख। ह्यूमन आई के बारे में स्टडी करेंगे हम, जो कि हमारा 10th क्लास का एनडीसी का टॉपिक है। 10th क्लास के लिए आज का सेशन 10th क्लास के लिए रहेगा, ठीक है। 10th क्लास एनडीसी के लिए है, एनटीएससी एज वेल एज बोर्ड। दोनों के लिए है 10th क्लास। तो आपका अपना चैनल लालजी क्लासेस, जिसके अंदर आज हम लेकर आए हैं ह्यूमन आई की बात करें तो सबसे पहले हम बात करें तो ह्यूमन आई को आई बोल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आई बोल, बिकॉज इट इज ऑफ स्फेरिकल साइज। कैसी साइज की होती है? स्फेरिकल साइज की होती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? आई बोल कहते हैं। जिसका साइज कह सकते हो या डायमीटर कह सकते हो, डायमीटर या साइज कह सकते हो 2.3 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर में होता है ये, मीटर में नहीं होता। सेंटीमीटर 2.3 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर। ह्यूमन आई की हम बात करें तो जिसका साइज हमने कहा स्फेरिकल आई बॉल जिसे हम कहेंगे, इसका साइज या डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर के बीच में होता है। यहां पर हम बात करें तो ह्यूमन आई की जो लीस्ट डिस्टेंस होती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो हम जनरली देखते हैं एक नॉर्मल आई के अंदर, वो हमारी होती है 25 सेंटीमीटर। एंड दैट इज इट ऑफ अडल्ट आई, नॉर्मल आई। नॉर्मल अडल्ट आई के लिए होती है। और जो फॉरेस्ट पॉइंट होता है, फॉरेस्ट डिस्टेंस या लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होते हैं, फॉरेस्ट पॉइंट जो हमारा होता है वो होता है इनफाइनाइट। क्या होता है? इनफाइनाइट। तो ह्यूमन आई के अंदर आई बॉल जिसका साइज 2.3 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन लेस डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर के ऊपर जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमें साफ नजर आता है। अगर 25 से हम नजदीक लेके आते हैं तो हमें क्लियर नजर नहीं आता है, 25 सेंटीमीटर के ऊपर वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली नजर आता है। ऐसे अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूरी पर है, इनफाइनाइट पर है, तो वो भी हमें साफ नजर आता है। तो हमारा मनुष्य की आंख का जो साइज था वो हमने स्टडी किया। अब हम बात करेंगे इसके कॉन्फिगरेशन के, इसके पार्ट्स के, कैसे इसकी फंक्शनिंग होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले इट इज ऑफ स्फेरिकल साइज। मैंने आपको अभी बताया था कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। कैसी होती है? स्फेरिकल, स्फेरिकल साइज की होती है, ठीक है। स्फेरिकल शेप की होती है, स्फेरिकल इन शेप। स्फीयर होता है जैसे गोल, वैसे स्फेरिकल होती है, ऐसे स्फेरिकल होती है, ठीक है। ये स्फीयर की टाइप की बनेगी आपकी, ये इस प्रकार से फॉर्मेशन हो जाएगी आपकी। स्फेरिकल फॉर्मेशन के अंदर हम लेके चलेंगे इसको, ठीक है। स्फेरिकल फॉर्मेशन में हम लेके चलेंगे, जिसके अंदर ये हमारा रेटिना होगा। ये हमारा रेटिना होगा, ये रेटिना होगा, और ये हमारी आगे का पार्ट हमारा होगा। देखो, ये हमारी आई बोल है, दैट इज ऑफ स्फेरिकल शेप, ठीक है। सबसे जो फर्स्ट पार्ट हमारा आता है, फर्स्ट पार्ट जिसे हम बोलते हैं कॉर्निया, फर्स्ट पार्ट हमारा होता है कॉर्निया, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट पार्ट कह सकते हो कॉर्निया को, फर्स्ट ट्रांसपेरेंट लेयर।
ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, दूसरा मोस्ट रिफ्रैक्टिंग पार्ट होता है, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन इसी के अंदर से होता है, ठीक है, मोस्ट रिफ्रैक्टिंग पार्ट होता है, थर्ड डोनेटेबल पार्ट, डोनेटेबल जो पार्ट एबल जो पार्ट होता है वो हमारा कौन सा होता है, कॉर्निया होता है, यानी कि हमारी आंख के ऊपर वो एक ट्रांसपेरेंट लेयर जिसका रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा है, जो रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा करती है, रिफ्रैक्शन आपने पढ़ा था लाइट के अंदर, ठीक है, और रिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है ना तो अपनी पाथ को चेंज कर लेती है, तो इसके अंदर एक मीडियम है जिसमें लाइट पाथ चेंज कर लेगी, डोनेटेबल यानी कि जिसको डोनेट कर सकते हैं हम, वो पार्ट मनुष्य की आंख का जिसको हम डोनेट करते हैं, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट लेयर है, मोस्ट रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, और डोनेटेबल पार्ट हमारा है कॉर्निया, ठीक है। सेकंड पार्ट हमारा आता है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट हम बात करते हैं और वो होता है एक्वस ह्यूमन, एक्वस ह्यूमन सेकंड पार्ट हमारा है, ठीक है। अपनी आंख के अंदर एक व्हाइट पार्ट है, व्हाइट पार्ट यही एक्वस ह्यूमन होता है, एक्वस ह्यूमन, एक्वस ह्यूमन की फंक्शनिंग क्या होती है कि ये एक्सटर्नल टेम्परेचर एंड प्रेशर से बचाता है, किससे बचाता है, एक्सटर्नल टेम्परेचर और प्रेशर से, मतलब जो एक्सटर्नल टेम्परेचर और प्रेशर जो आपका आपके ऊपर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी आपको वैसा ही दिखाई देता है, जबकि आपको 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, सॉरी आपको 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी वैसा नजर आता है, और जब टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस होता है तो भी वैसा ही, आप हाई एल्टीट्यूड के ऊपर होते हैं तो भी आपको वैसा ही नजर आता है, और जब आप लोअर ग्राउंड लेवल पे होते हैं तो भी वैसा ही नजर आता है, यानी कि एक्सटर्नल टेम्परेचर और प्रेशर से हमें बचाता है कौन, एक्वस ह्यूमन। एक्वस ह्यूमन के बाद हमारा होता है आईरिस, थर्ड पार्ट हमारी होती है ये थर्ड पार्ट होता है और वो होता है आईरिस, ठीक है, इट इज द थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट हमारा है आईरिस। थर्ड पार्ट क्या कंट्रोलिंग करता है, ये अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है, अमाउंट ऑफ लाइट को, ठीक है। अब बोले जी अमाउंट ऑफ लाइट को कैसे कंट्रोल करता है, बिकॉज इट कंट्रोलिंग द प्यूपिल, प्यूपिल इट कंट्रोलिंग द प्यूपिल, प्यूपिल को कंट्रोल करता है। फोर्थ पार्ट हमारा जो होता है, फोर्थ पार्ट जो होता है वो प्यूपिल होता है, पीपल नहीं प्यूपिल। अब प्यूपिल की फंक्शनिंग क्या होती है कि अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है, दैट इज आल्सो नोन एज डायफ्रेम ऑफ आई, डायफ्रेम ऑफ आई क्या काम करता है कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप एक तेज रोशनी से किसी अंधेरे कमरे में घुस रहे हो तो स्टार्टिंग में आपको कुछ भी ऑब्जर्व नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर ए टाइम, ठीक है, आफ्टर ए स्मॉल इंटरवल यू विल ऑब्जर्व द थिंग्स, जस्ट लाइक एज देयर इज बोर्ड, देयर इज स्विच, देयर इज डस्टर, ठीक है, एंड अनदर थिंग्स लाइक एज बेंच, डेस्क, अनदर ऑब्जेक्ट्स आर लाइज इन द रूम, ठीक है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि जब आप बाहर रोशनी में होते हो तो जो प्यूपिल का साइज होता है वो क्या होता है, फैला हुआ होता है, क्या होता है, फैला, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप अंधेरे कमरे में जाते हो तो उस फैले हुए के अंदर क्या होगा कि लाइट के अंदर लाइट एंटर नहीं कर पाएगी, और जब आप अंदर जाओगे तो वो इस प्रकार से सिकुड़ जाएगा जी, ठीक है। आपने देखा होगा प्यूपिल जो होता है, प्यूपिल को आप डिटेक्ट आउट करना हो ना तो आप शीशे के अंदर देख करके आप देख सकते हो, ठीक है ना, वो आपका आंख के अंदर जो ब्लैक पार्ट हमारा इसके अंदर भूरे रंग का पार्ट होता है, जिसे आपने ऑब्जर्व किया हो, जिसे बोलते हैं हम कंजी आंखें वाला, ठीक है, तो उसके वो जो प्यूपिल होता है उसका कलर डिफरेंट होता है, दैट इज प्यूपिल, ठीक है। वो क्या होता है कि वो लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है, फैल करके और सिकुड़ करके, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूं कि आप देखो वो तेज रोशनी की लाइट आपके यहाँ ऊपर गिर रही है, ठीक है ना, लाइट जो है तेज लाइट जो है, आप जैसे ट्रक जो होता है, ट्रक की लाइट लाइट जो है आपके आंखों पर डाली जाए तो आपकी आंखें खुली होने के बावजूद कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कारण क्या है कि प्यूपिल जो है वो
फैल चुका है, ठीक है ना, और फैल करके क्या कर रहा है, अमाउंट ऑफ लाइट को एंटर नहीं करने दे रहा है, तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। प्यूपिल कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट को, किसकी हेल्प से, आयरिस की हेल्प से, आयरिस कंट्रोल करती है प्यूपिल को, ठीक है ना, किसको कंट्रोल करती है, प्यूपिल को कंट्रोल करती है। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट हमारा पार्ट नंबर फाइव, पार्ट नंबर फाइव हमारा है सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स, सिलेरी मसल्स क्या काम करती हैं, सिलेरी मसल्स हमारी आंख के अंदर जो लेंस होता है, ह्यूमन आई के अंदर जो आई लेंस होता है, आई लेंस जो सिक्स पार्ट हमारा है आई लेंस, इसको कंट्रोल करती है। आई लेंस को क्या करती है, आई लेंस को कंट्रोल करती है कौन, सिलेरी मसल्स। आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट दूर होता है तब भी आपकी इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट नजदीक होता है तब भी आपकी इमेज बनती है, उसको कंट्रोल, उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करती हैं, फोकल लेंथ को एडजस्ट करती हैं। कौन, सिलेरी मसल्स, ठीक है, ओके। आई लेंस होता है ये मेजरली हम कॉन्वेक्स लेते हैं जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.4 समथिंग होता है, ठीक है, ये कन्वर्ज करता है लाइट को, क्या करता है, कन्वर्ज लाइट, लाइट को कन्वर्ज करता है एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना, एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करता है, क्योंकि आपने देखा होगा कॉन्वेक्स लेंस का फंक्शनिंग क्या थी, कन्वर्ज करना ही था। उसके बाद ये जो पार्ट हमारा होता है ये और अंदर वाला, ये अंदर वाला पार्ट, इसे बोलते हैं हम विट्रस ह्यूमन, विट्रस ह्यूमन। विट्रस ह्यूमन के लास्ट में एक लेयर आती है, यहां पे एक लेयर आती है, इस लेयर के अंदर दो प्रकार की सेल होती है, ये हमारा पॉइंट नंबर सेवन था। विट्रस ह्यूमन के अंदर लेयर होती है, लेयर में सेल होती हैं, और वो सेल दो टाइप की होती हैं, एक होती है रॉड सेल जिसे हम बोन सेल भी कहते हैं, और दूसरी होती है कोन सेल। ये रॉड और बोन सेल इनकी शेप ऐसी होती है कि ऐसी शेप की होती है, ठीक है, एक ये ऐसी शेप की होती है, ठीक है, इसीलिए इनको बोन सेल और रॉड सेल कहा जाता है। इसके अंदर इनकी फंक्शनिंग क्या होती है कि ये ब्राइटनेस के लिए होती है, और ये होती है कलर्स के लिए, ये किसके लिए होती है, कलर्स के लिए, ठीक है, ये तो ब्राइटनेस के लिए रॉड सेल, और कौन सेल, कलर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, अगला पार्ट हमारा ये हमारा था पॉइंट नंबर सेवन, पॉइंट नंबर एट की बात करते हैं, और ये होती है हमारी स्क्रीन जहां पर इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं रेटिना। रेटिना, रेटिना होता है जिसे हम स्क्रीन ऑफ आई कहते हैं। पॉइंट नंबर आठ हमारा होता है स्क्रीन ऑफ आई, जहां पर इमेज फॉर्मेशन होती है, इमेज फॉर्मेशन जहां पर होती है उसे क्या कहते हैं, रेटिना। अब सारी इमेज रेटिना पर बनती है, सारी इमेज कहां बनती है, रेटिना के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करें तो इसके अंदर हम लेके चले तो रेटिना के ऊपर जो सारी इमेज बनती है, तो रेटिना पे दो पॉइंट हम लेके चलते हैं। एक पॉइंट तो हमारा होता है येलो स्पॉट, और एक पॉइंट होता है हमारा ब्लाइंड स्पॉट। येलो स्पॉट पॉइंट नंबर नाइन, जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेज बनती है, जो कि मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है,
मोस्ट सेंसिटिव पॉइंट होता है, ठीक है ना, रेटिना का ब्लाइंड स्पॉट, जहां पर कोई इमेज नहीं बनती, नो इमेज, यानी कि इसकी सेंसिटिविटी होती ही नहीं। आप देखा होगा आपकी आंख के बिल्कुल बीच में एक बिल्कुल डार्क स्पॉट है, और उस डार्क स्पॉट को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, जहां पर कोई भी इमेज नहीं बनती। एक पॉइंट येलो स्पॉट, जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेज बनती है, सारी नहीं बनती लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेज बनती है, वो हमारा क्या कहलाता है, येलो स्पॉट है। अब वो इमेज बनने के बाद ये हमारी ऑप्टिकल नर्व कहते हैं हमको, क्या कहते हैं, ऑप्टिकल नर्व, ऑप्टिक नर्व भी कह सकते हो, ऑप्टिकल नर्व भी कह सकते हो, ऑप्टिक नर्व या ऑप्टिकल नर्व, जो इमेज की फॉर्मेशन ट्रांसफर करती हैं, कहां करती हैं, ट्रांसफर करती हैं, कहां पे, कहां पर, ब्रेन तक, कहां पे, ब्रेन तक की इस प्रकार की इमेज बनी है। क्लियर है यहां पर तक, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी इमेज थी जिसके अंदर हमने पॉइंट लिए थे 10 पॉइंट थे। पहला पॉइंट था कॉर्निया, दूसरा पॉइंट था एक्वस ह्यूमर, तीसरा था आइरिस, चौथा था प्यूपिल, पांचवा था सिलेरी मसल, छठा था आई लेंस, सातवा था विट्रस ह्यूमर, जिसके अंदर ये हमने लेयर्स पढ़ी थी, दो टाइप की सेल थी जिसके अंदर रोड सेल और कौन सेल थी, कलर ब्लाइंडनेस, सॉरी रोड सेल ब्राइटनेस के लिए और ये कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। उसके बाद रेटिना, जो कि 8 नंबर पॉइंट था, हमारी स्क्रीन जहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होती है। अब रेटिना पे दो पॉइंट होते हैं, येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट। येलो स्पॉट पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेज बनती है, ब्लाइंड पर कोई नहीं बनती। इमेज फॉर्मेशन होने के बाद ऑप्टिकल नर्व इमेज की फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाती है। ये पॉइंट हमारे थे। और अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है और किस किस प्रकार से इमेज फॉर्मेशन होगा, कैसी इमेज हमारी बनती है, ठीक है, और क्या क्या नेसेसरी थिंग्स हमारी हैं, कौन कौन से डिफेक्ट हमारी आंख के अंदर पाए जाते हैं, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें, एक हमारी आंख के सामने से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो निकल रहा है, तो वो हमारी आंख के सामने से किसी भी स्पीड से निकले, किसी भी स्पीड से, ठीक है, अगर वो सेकंड के 16वें हिस्से में, सेकंड के 16वें हिस्से में हमारी आंख के सामने से निकल रहा है, तो हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड दैट इज नोन एज परसिस्टेंस ऑफ विजन। क्या कहलाता है, परसिस्टेंस ऑफ विजन, एंड दैट इज 1/16 सेकंड। यानी कि सेकंड के 16वें हिस्से में अगर ऑब्जेक्ट हमारी आंख के सामने से निकलता है, अगर ऑब्जेक्ट सेकंड के 17वें हिस्से में भी निकलता है, ठीक है, तो हमें ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई नहीं होगा कि क्या था ऑब्जेक्ट। क्लियर है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे ह्यूमन आई के अंदर आई लेंस कॉन्वेक्स होता है, ठीक है, और रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हो, रियल और इन्वर्टेड इमेज हमें फॉर्म होती है। और ह्यूमन आई की बात करें तो एक ये नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्लियर है, आगे बात समझ में। यहां पर हम बात करें, अगला इसके डिफेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। डिफेक्ट क्या क्या है, डिफेक्ट ऑफ हमारा है, मनुष्य की आंख के डिफेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई के अंदर हम स्टडी करेंगे, सबसे पहला हमारा डिफेक्ट है मायोपिया।
दूसरा डिफेक्ट हमारा है प्रेस बटन। थर्ड हमारा है सेकंड हमारा है हाइपरमेट्रोपिया। थर्ड हमारा है प्रेस बायोपिया। फोर्थ हमारा है कलर ब्लाइंडनेस। फिफ्थ हमारा है कैटारेक्ट। सिक्स्थ हमारा है एस्टिगमेटिज्म। तो स्टूडेंट्स पांच डिफेक्ट हमारे हैं। तो सबसे पहला है मायोपिया, सेकंड है हाइपरमेट्रोपिया, थर्ड है प्रेस बायोपिया, फोर्थ है हमारा कलर ब्लाइंडनेस, फिफ्थ हमारा है कैटारेक्ट एंड सिक्स हमारा है एस्टिगमेटिज्म। सबसे पहले हम बात करें ह्यूमन आई की। तो ह्यूमन आई में मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट पार्ट्स आते हैं, तो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर हम बात करें तो इसकी मेन फंक्शनिंग कैसे होती है। यहाँ पर हम बात करें तो ये हमारा आई लेंस होता है इस प्रकार से। मैं आपको यहाँ पर आगे हम स्टडी करेंगे इसके डिफेक्ट्स के बाद कि किस प्रकार से वर्किंग करती है, जिसे हम पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है कि लेंस की वो एबिलिटी जो किसी भी पावर ऑफ अकोमोडेशन वो होती है कि लेंस की वो एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ट ए लाइट एट रेटिना। पावर ऑफ अकोमोडेशन, किसी भी पॉइंट को किसी लाइट को कन्वर्ट कर पाना किसी भी लेंस की वो एबिलिटी। यहां पर ऑब्जेक्ट हम बात करते हैं, यहां से मैंने आपको बताया फर्स्टली लाइट एंटर करेगी, पहले कॉर्निया उसको रिफ्लेक्ट करेगा, फिर उसके अमाउंट को फिक्स करेगा कितने अमाउंट में लाइट एंटर करवानी है। इसके जस्ट बाद सिलेरी मसल्स उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करेगी कितनी दूर से लाइट आ रही है। ठीक है, उसके बाद फोकल लेंथ हमारी ऑब्जर्व होगी रेटिना के ऊपर, रेटिना के ऊपर हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी एंड लाइट आई, फिर उसने कॉर्निया ने हमारा रिफ्रैक्शन किया, फिर प्यूपिल ने अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल किया आइरिस की हद से, फिर सिलेरी मसल्स एडजस्ट हुई, फोकल लेंथ एडजस्ट की ताकि उस लाइट को एक सिंगल पॉइंट यानी कि रेटिना के ऊपर हम क्या कर सकें, कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, अब बात करते हैं डिफेक्ट की। डिफेक्ट की बात करें तो अगर ऐसा नहीं हो किसी भी केस में तो डिफेक्ट है। डिफेक्ट यानी कि दोष, दोष मतलब रोग। ठीक है, रोग आप सब जानते हो। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मायोपिया, जिसे हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस कहते हैं, नियर साइटेडनेस यानी कि निकट दृष्टि दोष। मीन्स यहां पर आपको नजदीक का तो दिखाई देता है, नजदीक का दिखाई देगा लेकिन दूर का नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये निमोलॉग के लिए था, नजदीक का दिखाई नहीं देगा, नजदीक का दिखाई देगा और दूर का दिखाई नहीं देगा, नियर साइटनेस। और उसके अंदर एक्चुअली क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट दूर चला जाता है तो उसके अंदर जो रेटिना हमारा है उसके लिए जो फोकल लेंथ हमारी है वो कम हो जाती है।
नजदीक ऑब्जेक्ट आते ही फोकल लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होते हैं कि इसके अंदर जैसे ये हमारी ह्यूमन आई है, ये लेंस है, ठीक है, ऑब्जेक्ट दूर है, दूर है, तो वो क्या करेगा, इमेज यहां पर बना देगा। अब रेटिना कहां था, रेटिना तो यहां था, इमेज यहां बनी, तो रेटिना पर इमेज नहीं बनेगी तो हमें दिखाई नहीं देगा। अब हमें दिखाई नहीं देगा तो करना क्या है, इस डिफेक्ट को क्लियर करना क्या है, दिस डिफेक्ट मतलब इसके अंदर क्या होता है, फोकल लेंथ जो होती है ऑफ आई लेंस वो डिक्रीज हो जाती है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, आई होल का साइज इंक्रीज हो जाएगा, आई बोल का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज। फर्स्ट तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, सेकंड आई बोल का साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट तो क्या हो गई, फोकल लेंथ डिक्रीज होगी, सेकंड क्या होगा, आई बोल का साइज इंक्रीज होगा, ये दो काम होंगे। आप इस डिफेक्ट को कैसे करेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए हम यूज करेंगे, इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, अब बोले जी कॉनकेव लेंस में ऐसा क्या है, अरे कॉनकेव लेंस में ये कॉनकेव लेंस होता है, आपने सुना होगा, देखा होगा, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के अंदर वो एबिलिटी है जो लाइट को डाइवर्ट कर देता है, ऐसे डाइवर्ट कर देगा। अब डाइवर्ट करके एक पॉइंट पर ले आएगा ऑब्जेक्ट को नजदीक, और हमने एक बात सुनी थी कि नियर साइटेडनेस यानी कि नजदीक का दिखाई देता है। अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी नेगेटिव, सॉरी नजदीक है, और अगर नजदीक बनेगी तो ये नजदीक वाली इमेज इसके लिए क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी, क्या होगी, ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट होगी तो रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे आएगी और यहां से ऐसे आएगी और इमेज बन जाएगी कहां पर, रेटिना पर। इमेज कहां पर बन जाएगी, रेटिना पर बन जाएगी। पहले क्या था, पहले था ये कि ऑब्जेक्ट था दूर, ऑब्जेक्ट था दूर, इमेज बन रही थी यहां। सेकंड केस में क्या हुआ, यहां पर हमने लेंस लिया, ऑब्जेक्ट था दूर, दूर था, हमने यहां ले लिया दूसरा लेंस, कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस क्या करेगा, इस लाइट को डाइवर्ट करेगा, ऐसे डाइवर्ट करेगा तो ये इधर मिलती हुई प्रतीत होगी, इसकी इमेज बनी इस ऑब्जेक्ट की, ये इमेज बन गई। अब ये इमेज इस लेंस के लिए, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट यहां नजदीक आ गया ना, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो नजदीक आ गया। अब जब ऑब्जेक्ट नजदीक आ गया तो इमेज कहां बन जाएगी, ये ऑब्जेक्ट नजदीक आ गया तो इमेज बन जाएगी कहां पर, रेटिना पर बन जाएगी, कहां बन जाएगी, रेटिना। समझ में आ गया, क्लियर है। ये था हमारा कौन सा, मायोपिया। मायोपिया के बाद हम इसके अंदर बात करें, मैंने आपको बताया था इट कैन अराइज ड्यू टू डिक्रीज इन फोकल लेंथ, डिक्रीज इन फोकल लेंथ एंड इंक्रीज इन द साइज ऑफ द आईबॉल, ठीक है। एंड बेसिकली कॉज क्या होता है, इसका बेसिक कॉज क्या होता है, बेसिक कॉज होता है ड्यू टू लॉन्ग इलनेस। अब ऐसा तो है नहीं कि जिसको दूर का दिखाई देता वो लंबा बीमार चल रहा है, ठीक है, उसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कोई एक्सीडेंटल काज हो, कॉज हो। अब ये भी जरूरी नहीं है कि मान लिया कोई एक्सीडेंट भी हुआ है उसकी आंखें, ठीक है, आपकी फिजिकल वीकनेस,
फिजिकल वीकनेस स्पेशली सिलेरी मसल्स की, सिलेरी मसल्स की फिजिकल वीकनेस के कारण। इसके अंदर आई होल जो होती है उसका साइज बड़ा हो जाता है, बड़ा होना आप देखा होगा मोटे मोटे आंखों के आदमी होते हैं, ठीक है ना। सेकंड हम बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया। माइपिया हमने खत्म कर दिया, खत्म हमने पढ़ाई में किया है, पैसे नहीं किया। हाँ, अपनी आंखों का मायोपिया दूर करने के लिए टीवी कम देखें, पढ़ाई करें। अगर आप मोबाइल नजदीक से देख रहे हो तो भी गलत है, दूर रख के देखें। यूट्यूब आप देख रहे हो तो दूर रख के देखें, वरना आपको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। पढ़ाई जरूर करें, ये नहीं है कि सर ने ये कह दिया कि देखना नहीं है, दूर से देखें तो नहीं, पढ़ें, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है, लॉन्ग साइटेडनेस। अब लॉन्ग साइटेडनेस में क्या होता है, लॉन्ग साइटेडनेस में ऐसा होता है कि इसमें दूर का दिखाई देता है और नजदीक का दिखाई नहीं देता। इसमें दूर का तो दिखाई देता है और नजदीक का दिखाई नहीं देता। तो नजदीक का दिखाई नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि ये क्या करता है, ये नजदीक का ऑब्जेक्ट था, ठीक है, और ये इमेज बाहर बन जाती है। इमेज कहाँ बन जाती है, बाहर, ठीक है, इमेज बन जाती है बाहर। इमेज कहाँ बननी थी, रेटिना पर, बन गई कहाँ, रेटिना से बाहर, ठीक है। तो ये लॉन्ग साइटेडनेस है, यानी कि नजदीक का दिखाई नहीं देगा, दूर का दिखाई देगा, ठीक है, क्लियर है। इसके अंदर नजदीक के ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देते, नियर बाय ऑब्जेक्ट हमें ऑब्जर्व नहीं होते, क्योंकि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हमें क्लियर के साथ दिखते हैं। इसके अंदर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करें, हमने मैंने आपसे कहा कि लॉन्ग साइडनेस यानी कि दूर, लॉन्ग डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जर्व क्लियरली बट नियर बाय ऑब्जेक्ट नॉट सेन क्लियरली। ओके, अब इसका कारण क्या होता है, बेसिक कॉज नंबर फर्स्ट, या तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाए, या फिर क्या हो, आई बोल का साइज डिक्रीज हो जाए, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, वही लॉन्ग इलनेस के कारण, या एक्सीडेंटल कॉज, ठीक है, या फिजिकल वीकनेस, ठीक है। इस कारणों से आपको क्या हो सकता है, हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। बोले जिसको करेक्ट कैसे करेंगे, इसको करेक्ट करेंगे, करेक्ट कैसे करेंगे, आप देखो करेक्ट कैसे करेंगे। इसके अंदर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो अगर ऑब्जेक्ट नजदीक रखा हो तो उसकी इमेज दूर बना रहता है। ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो ये क्या करेगा, ऐसे लेके आएगा ऑब्जेक्ट को ऐसे। अब ऑब्जेक्ट दूर चला गया, दूर अगर ऑब्जेक्ट चला गया तो उसकी इमेज बनेगी रेटिना में। कहां पर बनेगी, रेटिना में। देखो फर्स्ट केस क्या था हमारा, फर्स्ट केस था ये कि ये लेंस था, ये ऑब्जेक्ट था, इमेज बाहर बन रही थी, ठीक है। सेकंड केस क्या होगा कि इसके अंदर हम
सॉरी इसके अंदर हम ये लेंस लेके आएंगे, ठीक है। दूसरा लेंस यहां लेके आए, यहां ऑब्जेक्ट था, ये लाइट आएगी ऐसे, ऐसे लाइट आएगी तो ये ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाएगा। जब ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाएगा यानी कि जब लाइट आपने ऑब्जर्व किया था कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट के नजदीक होता है तो लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकलती है, इनफाइनाइट पर मिलती है। देखो इनफाइनाइट पर मिलेंगी और ये क्या करेगा, इनको कन्वर्ज करेगा कहां पर, रेटिना पर। रेटिना पर क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा, रेटिना पे कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, तो इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस को यूज करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। क्लियर है। चलो ये था हमारा मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, थर्ड डिफेक्ट हमारा है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया की हम बात करें तो इसके अंदर हमारा मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों कंबाइंड होते हैं। प्रेस बायोपिया इज फॉर्म्ड ड्यू टू मायोपिया प्लस हाइपर मेट्रोपिया, मायोपिया एंड हाइपर मेट्रोपिया। अब मायोपिया आपको था नियर साइटेडनेस, और ये था लॉन्ग साइटेडनेस, यानी कि इसमें तो दूर का दिखाई नहीं देता था, और इसमें नजदीक का दिखाई ठीक है, इसमें दूर का दिखाई नहीं देगा, इसमें नजदीक का दिखाई नहीं देगा। अब यहां पर दोनों कंबाइंड हो गए, यानी कि दूर प्लस नजदीक, दूर भी हो रहे नजदीक भी, दोनों दिखाई नहीं दे रहे। अब दोनों दिखाई नहीं दे रहे, उस डिफेक्ट को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया। इसमें एक्चुअली क्या होता है, इसमें नहीं तो आईबॉल का साइज चेंज होता है, ठीक है, बट इसमें चेंज क्या होता है, फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। किसकी, आई लेंस की, एडजस्ट होने में टाइम लगता है, ठीक है ना, आई लेंस की फोकल लेंथ बिकॉज ऑफ वीकनेस ऑफ सिलेरी मसल्स, ठीक है, वीकनेस के कारण, ठीक है, ये ओल्ड एज पर्सन को, इसको होता है ओल्ड एज पर्सन को होता है, ठीक है ना। इस डिफेक्ट के अंदर फोकल लेंथ डिक्रीज भी हो सकती है और फोकल लेंथ इंक्रीज भी हो सकती है, दोनों काम हो सकते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज बोथ के साथ टेकन आउट, इंक्रीज एंड डिक्रीज बोथ के साथ टेकन आउट। इसके अंदर हम बात करें तो आप ये कह सकते हो कि आई बोन का साइज, इसके अंदर हम बात करें तो फोकल लेंथ चेंज होगी और वो वीकनेस के कारण होगी, और वीकनेस के अंदर क्या होगा कि फोकल लेंथ एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, ठीक है ना, तब तक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, तो इसके अंदर नजदीक प्लस दूर दोनों का दिखाई नहीं देता है, यानी कि इसलिए हम ये कहें कि ये वो डिफेक्ट है जिसके अंदर आपको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों ही है, ठीक है ना, और इसको करेक्ट किया जा सकता है
it can be corrected. By using bifocal lens. कौन सा होता है? Bifocal lens वो होता है जिसमें convex plus concave दोनों हो, convex भी हो रहे concave भी, ठीक है ना? Bifocal lens होता है जिसमें convex bifocal, बाय मतलब दो फोकल, मतलब जिसकी दो फोकल लेंथ हो, कॉन्वेक्स प्लस कॉनकेव, ठीक है। इसका एग्जांपल देना चाहूँ, आपके घर में जो बुजुर्ग होते हैं उनके चश्मे कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं चश्मे, कुछ ऐसे होते हैं। अब ऐसे होते हैं तो नीचे वाला पार्ट जो है वो कॉन्वेक्स लेंस है और ऊपर वाला पार्ट जो है वो कॉनकेव लेंस। ऊपर वाला पार्ट कैसा है? कॉनकेव है और नीचे वाला कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है? ये था हमारा प्रेसबायोपिया। अगला हमारा है कलर लेंस। कलर ब्लाइंडनेस में कुछ नहीं होता है। कलर ब्लाइंडनेस के अंदर हम बात करें तो आप एक पर्टिकुलर, इट इज अ डिफेक्ट इन विच यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज ए पर्टिकुलर कलर। इसके पीछे बेसिक कॉज क्या होता है? बेसिक कॉज ये होता है कि आपके विंटर समर में दो सेल हमने पढ़ी थी, रोड सेल एंड कॉन सेल। रोड सेल एंड कॉन सेल, रोड सेल और कॉन सेल का अगर रेशियो जो भी गिवन है, जो भी रेशियो गिवन है, गिवन रेशियो में होती है, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स, गिवन रेशियो में होती है, अगर इनका रेशियो चेंज हो जाए, रेशियो अगर चेंज हो जाए तो आपको डिफेक्ट हो जाएगा। कौन सा? कलर ब्लाइंडनेस। और इस डिफेक्ट की खास बात होती है, कि ये क्रॉस रिलेशन में मिलता है। क्रॉस रिलेशन में कि जैसे आपके मामा को है या नाना को है तो आपको हो सकता है, अगर आपके फादर को है तो आपको नहीं होगा। क्रॉस रिलेशन में, ठीक है। अगर इन सेल्स का रेशियो चेंज हो जाए, जो कि ये ब्राइटनेस के लिए थी और ये थी कलर्स के लिए, ओके, दिस इज द कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट हमारा है कैटरेक्ट, एंड कैटरेक्ट इज ए डिफेक्ट। कैटरेक्ट की बात करें, कैटरेक्ट हमारा है डिफेक्ट इन विच ए लेयर एज ओवरलैप द प्यूपिल ऑफ आई, ड्यू टू विच ए सफिशियंट amount of light cannot enter
स्केलर क्या होता है कि एक दूध या रंग की यानी कि व्हाइट क्लाउडी व्हाइट क्लाउडी लेयर हमारे प्यूपिल के ऊपर मर्ज हो जाती है। प्यूपिल के ऊपर क्या हो जाती है? मर्ज। इसकी वजह से हमें साफ दिखाई नहीं देता है और इस डिफेक्ट को हम बाइनलेसिक लेजर लेजर ऑपरेशन से रिमूव कर सकते हैं। एक लेजर ऑपरेशन से इसको रिमूव कर सकते हैं और इसका डायरेक्ट को हम कहना चाहें तो ये सफेद मोतियाबिंद के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसके अंदर एक लेयर हमारी आंख के ऊपर क्लाउडी व्हाइट क्लाउडी लेयर हमारी मर्ज हो जाता है जिसकी वजह से हमें दिखाई कम देता है, सबसे नॉर्मल लाइट एंटर नहीं कर पाती। इसे रिमूव करते हैं और रिमूव करने के बाद हमारी लाइट जो है रिसेप्शन अमाउंट के अंदर एंटर कर सकती है। लास्ट हमारा डिफेक्ट है और वो डिफेक्ट अजीब प्रकार का है, बहुत कम लोगों के अंदर ये डिफेक्ट पाया जाता है। और इस डिफेक्ट के अंदर क्या होगा कि आप एस्टिगमेटिज्म दैट इज ए डिफेक्ट इन विच हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन आर नॉट इन रेगुलर शेप। आर नॉट ऑब्जर्विंग रेगुलर शेप। अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपने ये ले लिया आपका स्क्वायर है, इसके अंदर ऐसे लाइने हैं इस प्रकार के हैं, आपको ये ऐसा नजर नहीं आएगा, ये ऐसा नजर आएगा आपको। पर्टिकुलर शेप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में आपको साफ नजर नहीं आ रही, यानी कि जो क्यूबॉइड आपने रखा तो वो आपको स्फेरिकल शेप का नजर आ सकता है। कैसी शेप का नजर आएगा? स्फेरिकल। ठीक है, एंड दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंस। ठीक है, तो बच्चों आज तक आज के एपिसोड में इतना ही। आपका अपना चैनल लालजी क्लासेस, आपका अपना चैनल विद मी योगेश कुमार, और आप देखते रहिए और जो जो आपके रिक्वायरमेंट्स है कमेंट्स बॉक्स के थ्रू बताते रहिए कि हमें ये टॉपिक जो है वो चाहिए। ठीक है, अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, उसका सोल्यूशन आप तक पहुंचाया जाएगा। पढ़ते रहिए, थैंक यू।